दर्द शायद नहीं है आपको? बिल्कुल 40 साल ने गबरू जवान वाले हो जाए चलो अल्लाह नहीं छोड़ियो क्या याद रखो इसने ब्लू वाला वो कितने का है पी बटालियन और आयुष हेल्थ डिपार्टमेंट रजौरी की कोऑर्डिनेशन से एक बॉर्डर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारी जो आयुष मेडिसिन है, पहले भी आपने किसी ने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है? नहीं की है शायद? आपने की हुई है। तो ये जो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये जो हमारा जो आयुष सेंटर है ककोड़ा में, सारी मेडिसिन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब मैं इसके थोड़े से आपको फ़ायदे ये बता दूंगा कि जैसे ये आयुष क्वांथ है, ये एक काढ़ा है, जैसे कोविड एक बीमारी चली थी आज से एक साल पहले, तो उसमें ये बड़ी कारगर साबित हुई थी। तो ये हमारे सभी सेंटरों पर दस्तियाब है, और जिसको भी कोई खांसी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। उसके बाद ये एक चमदप्राश आता है, चमदप्राश ये एक मतलब हमें अम्यूनो बूस्टर है, हमें ये हमारे जिस्म में अंदर ये हमें ताकत देता है। तो इसका इस्तेमाल हम बुज़ुर्गों को भी करवा सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद एक हमारे पास ये आई थी आयुष 64, ये टेबलेट भी कोविड 19 के दौरान ही बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई थी। तो ये बहुत सारे लोगों ने जो बड़े बड़े हमारे जो सेंटर्स थे वहाँ पे इस्तेमाल करवाई थी, और इससे जो कोविड 19 का जो रिकवरी रेट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये भी कारगर साबित है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 36 सेंटर हैं, हर एक सेंटर पर ये जो मेडिसिन है वो वहाँ पे दस्तियाब है। और हम लोगों को चाहिए कि हमें इन सेंटरों की प्रॉपरली विजिट करके और वहाँ से ये जो दवाई है ये हमें हासिल करनी चाहिए। उसके बाद ये आ गई एक अमृता रिस्टा, ये भी अम्यूनो बूस्टर ही है, ये भी मतलब कोविड के दौरान ही इसने बड़ा अच्छा एक अहम रोल अदा किया था। तो जो पेशेंट को इस्तेमाल करने से उनका जो रिकवरी रेट था वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ था, और इससे पेशेंट जो है ठीक होके स्वस्थ होके अपने घर में वापस चले गए। तो ऐसे ही करते करते मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना है। बच्चों के लिए ये जो मेडिसिन है अरविंदा रासा, ये भी कोविड के दौरान बच्चों को इस्तेमाल कराई गई थी, और इसमें बहुत ज़्यादा इसके जो नतज थे बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हुए थे। तो इसलिए मैं जनरल आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि आप जो हमारे जो सेंटर है, जैसे हमारा मंजाकोट में भी सेंटर है, वहाँ पे भी मेडिसिन अवेलेबल है, ककोड़ा में है, गमीर ब्राह्मणा में भी है, इवन कि यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे गुलुती में भी है। तो मतलब हमारे हर जगह ये सेंटर पर ये मेडिसिन दस्तियाब है। हम बुज़ुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को चाहिए कि हमारे सेंटर्स की विज़िट करें और यहाँ से ये दवाई लें। शुक्रिया।